होनी चाहिए सरकार को अपनी तरफ से, ज़्यादा भी ना तो एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, उसमें कुछ पैसे कम कर देने चाहिए ताकि किसान को फायदा पहुंचे, ताकि फायदा पहुंचे। कोई स्मार्ट विलेज की बजाय नरक विलेज बना दियो काम। अच्छा और बताओ। बिजली बस एसी आ रही है, पेट्रोल डीजल चार 200 रुपए लीटर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन देश गुलाम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है आप लोगों को? यहाँ सिर्फ एक राशन है छोड़कर और ना कोई भी योजना। अच्छा, एक भी योजना ना, एक भी कोई बता दो। वैसे एक राशन है छोड़कर, फ्री राशन है छोड़कर और कोई लाभ ना आया। गौतम बुद्ध नगर जिले के मिर्जापुर गांव में जब हम और आगे बढ़े तो गांव के जो दूसरी छोर पर जब हम पहुंचे तो यहां पे भी हमें कुछ लोग दिखाई दे। यहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पे जो गांव के लोग हैं वो पत्ते खेल रहे हैं। तो यहां हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों से बातचीत करें, जानने की कोशिश करें कि इनका क्या कुछ कहना है इस समय वर्तमान में जो सरकार है उसका काम काज इनको कैसा लगता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। भैया क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। अच्छा, कितना काम काज हुआ है यहाँ मिर्जापुर में? काम काज तो ढीलो है। हाँ, और तो सरकार किसकी आ सकती है? सरकार बीजेपी की आवे। बीजेपी की? हाँ। क्या क्या चीजें अच्छी हैं बीजेपी की? बीजेपी की सभी चीज अच्छी है। अरे कुछ बता ही दो। क्या पूछोगे? अरे जो आपको अच्छा लगता हो। डिटेल खुली खुलाई है, बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से आवेगी। तो काम काम क्या क्या उसने काम काज जो जिसकी वजह से लोग इतना पसंद कर रहे हैं बीजेपी? आतंकवाद खत्म कर रही है और क्या करेगी? आतंकवाद कहाँ था? आतंकवाद आतंकवादी योगी राज में खत्म खत्म हो गया। योगी जी ने खत्म कर दिया आतंकवादी? हाँ, कहाँ थे आतंकवादी? आतंकवादी ये बड़े बड़े बिल्डर जो है सतर्क रहे पब्लिक है। अब उन सब कोई जेल में कहीं वैसे रफ्ताले। तो यानी कि योगी सरकार ने जो गुंडा राज है वो एकदम खत्म कर दिया है, यही चीज अच्छी है? हाँ यही अच्छी। और कुछ ना? और कहा लड़की की जनानी की जो सवारी है डीजल पेट्रोल तो चले, कोई कोई सरकार आ जाओ, ये कोई योगी के हाथ में है कि मोदी के हाथ में है? फिर डीजल पेट्रोल किसके हाथ में है? ये तो बाहर से आवे, यहाँ देश में तो पैदा हो ना, बाहर से आता है। अच्छा। तो इसमें जो ड्यूटी लगेगी वो तो लगेगी। तो महंगो तो होगा। तो इस बार मतलब यहाँ से बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है सब लोगों की? हाँ सब। और भी पार्टियों के कुछ वोटर हैं यहाँ पे या किसी के? नहीं सब। हाँ वहाँ पूछो कांग्रेस के सब। अच्छा, वो कांग्रेस के हैं। चले उनसे भी बातचीत करेंगे हम। और तब तक आप बताइए क्या लगता है? अरे आप भी बता दो। हमारे लिए तो बीजेपी सही है। अच्छा, बीजेपी बढ़िया है। क्या क्या चीज अच्छी है बीजेपी की? बीजेपी राशन बांट रही है गरीब लोगों को। हाँ, और क्या कर रही है? बिजली बढ़िया दे रही है। बिल बढ़िया दे रही है। बस यही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती? हाँ खेती करते हैं। खेती में हो जाती है? अच्छी पैदावार हो जाती है? हाँ खेती में मुनाफा अच्छा होता है। ज्यादा तो नहीं होता है, थोड़ा होता है। तो खेती में आप कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से कि हाँ कुछ सरकार करे? हाँ बस खेती में ये है कि किसानों के लिए कुछ सरकार और फायदे बढ़ाए। जैसे क्या लगता है आपको? खाद बीज है, अच्छे खाद आने चाहिए, अच्छे बीज आने चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, बस ये। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो बीज के दाम है खाद के दाम है वो बढ़ गए हैं काफी ज्यादा पहले के मुकाबले। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि इतने में सही है या फिर कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। आमतौर पर जो किसान की फसल है उसके दाम बढ़ने चाहिए, ना कि बीज खाद पे बढ़ने चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे डीजल महंगा हो गया है तो इससे किसानों की जेब पर असर तो पड़ ही रहा होगा? जी। तो क्या लगता है आपको, महंगाई की एक जो बढ़ रही है कम होनी चाहिए कुछ? कम होनी चाहिए, सरकार को अपनी तरफ से ज्यादा भी ना तो एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, उसमें कुछ पैसे कम कर देने चाहिए ताकि किसान को फायदा पहुंचे, ताकि फायदा पहुंचे। अच्छा, किसान और क्या क्या चीजें उम्मीद करते हैं सरकार से? किसान सारी चीजें किसान पे ही, सरकार पे ही निर्भर होती है किसान की। तो खाद देना है, बीज देना है जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आप लोग जब यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते होंगे तो सरकार को लेकर यहाँ पे काम काज को लेकर भी चर्चाएं होती होंगी, जाहिर सी बात है। तो क्या कुछ चीजें हैं जो, जैसे अभी तो खैर कैमरे के पीछे जो आप लोग बातचीत करते हो कि सरकार की ये चीजें बहुत बढ़िया भाई साहब और ये चीज सरकार की जो है वो यार वो ठीक नहीं है, मजा नहीं आया, कुछ इस तरह की बातचीत होती होगी, तो आप बताइए कि ऐसी क्या क्या बातें होती हैं कि हाँ जो सरकार की अच्छी है, अच्छा ये अच्छी नहीं है? कोई सी भी अच्छी ना है। कोई स्मार्ट विलेज की बजाय नरक विलेज बना दियो काम। अच्छा, और बताओ। हाँ, बिजली बस एसी आ रही है। ये नहीं बताएंगे, जो तो दिमाग में है तू बोल अपने। हाँ आप बताओ, मैं तो जानने आया हूँ। देखो हम लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं। किसान की छाती पे धन छोड़ दियो।
तो यानी कि यहाँ की जो स्मार्ट विलेज की बात की जा रही है, गांव एकदम हालत खराब है गांव की। नरक विलेज। अच्छा नरक विलेज है तो और भी है यहाँ पे, एक भैया है इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा क्या कुछ कहना है आपका भैया, क्या लगता है आपको? अभी भैया ने बताया कि स्मार्ट विलेज की वजह से नरक विलेज बना दिया जी। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बोला है स्मार्ट विलेज, गाँव में पहले भी काम होता था, अब देखिए इस गाँव की हालत क्या है, कितना अच्छा है। आप आओ जाओ कहीं भी निकल सकते हो, गाँव में बहुत अच्छा कार्य हुआ है ये। और बताइए आप कि आप हो सकता है बाइक से चलते हो या कार से चलते हो, तो पेट्रोल जो है वो लोगों का काफ़ी कहना है कि हाँ बहुत महंगे हो गए हैं, जहाँ पहले वो जितने का भरवाते थे उतने में अब टंकी उनकी नहीं फुल हो रही है। आप क्या कुछ कहेंगे जी? ये तो आपके और हमारे दोनों के हाथ में तो है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ड्यूटी जब बढ़ी हुई है उसके हाथ में, आपके हाथ में है। ये तो सरकार घटा भी सकती है। सरकार कैसे? एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है सरकार के हाथ में नहीं, जितना देखो 33-34 रुपए के लगभग लगभग राज्य सरकार लेती है और 30-35 रुपए के लगभग लगभग क्या नाम है केंद्र सरकार लेती है, तो इस पर जो टैक्सेस जाते हो तो कम भी किए जा सकते हैं। ये जो गरीबों को किसानों को या राशन दिया जा रहा है तो वो भी तो सरकार सब चीज़, तो फिर वही बात पड़ी ना कि एक जेब से डाल रहे दूसरी जेब से निकाल ले रहे हैं। जी 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 इसमें तो कोई नहीं, तो हित वाली क्या बात है? पेट्रोल डीजल चार 200 रुपए लीटर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन देश गुलाम नहीं होना चाहिए। अच्छा किस चीज़ से? कैसे गुलाम? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं गुलाम है, जैसे आपने देखा होगा कि हाँ जो किसान बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आप हमारे पाकिस्तान के नज़दीक जो देश है वो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान गुलाम हो गया ना, अब वो कह रहे हैं कि हाँ कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा आपने सुना है? कहाँ से पता चला आपको? आपने सुबह न्यूज़ पर नहीं सुना है कश्मीर पर कब्जा करने की वो साजिश बना रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर हो जाए। कौन से चैनल पर देखा आपने? आज तक पे बहुत चैनल आते हैं, सारे दिखाते हैं पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, है ना पेट्रोल डीजल और महंगाई की बात करें तो कितनी बढ़ जाए तो लोगों को दिक्कत नहीं। पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर है वो मंजूर है, लेकिन देश गुलाम नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान की तरह। स्वतंत्र है हमारा देश, स्वतंत्र की तरह। यानी भाई साहब देश हित में सब कुछ झेलने को तैयार है। तो और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। अच्छा ये बताइए यहाँ गांव में कामकाज कैसा हुआ है? काम सही है, बढ़िया कामकाज हुआ है, सारी चीजें बढ़िया हुई हैं। मुझे तो जितना दिखा कुछ खास नहीं दिखा, जैसे जिस तरह से दावा किया जा रहा है इसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है। स्मार्ट सिटी जो गांव तो स्मार्ट सिटी बने हो ना, ये तो एक खामोखा की बात है। अच्छा बाकी जैसे गांव देहात को गांव है, हाँ गांव देहात का जैसा होता है उस तरह से तो ठीक है। अच्छा सरकार की जितनी भी योजनाएं है उनका लाभ मिला है आप लोगों को? ना यहाँ सिर्फ एक राशन है छोड़कर और ना कोई भी योजना। अच्छा एक भी योजना ना, एक भी कोई बता दो। वैसे एक राशन है छोड़कर, फ्री राशन है छोड़कर और कोई लाभ ना आया और किसी भी चीज का लाभ नहीं मिला। जितनी भी है चार छह घरन में सिलेंडर मिल गए होंगे उज्ज्वला योजना के, और ये जो ये हेल्थ के जो वे इन्होंने वे योजना जो दई है प्रधानमंत्री बात है वो मेरे ख्याल में एक भी ना हो, ये तीन चार गांव जो हमारे गांव के आसपास। अच्छा जैसे क्या नाम है सरकार जो है केंद्र सरकारों किसानों के खाते में पैसे भेज रही है, यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाभ मिला हो? ऐसा सर ऐसा है, हाँ है मिल रहे हैं, लेकिन ये लाभ है पहली बात तो ये होगा हमारे यहाँ इतने किसान ना रहे, ये हमारे जो यहाँ की जो किसान की जमीन है वो प्राधिकरण में जा चुकी है अधिकांश, और है जो थोड़े बहुत बाहर के जमीन ले ली है उन्हें कुछ लोगों को ये 6000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा आपने बताया अभी कि प्राधिकरण ने ले लिया, तो क्या जो जमीनें ली थी उसका मुआवजा मिल गया सभी लोगों को? मुआवजा कुछ मिल गया है, कुछ रह रहे हैं, क्योंकि अभी जो कुछ लोगों ने यहाँ अभी प्रदर्शन भी किया था कि मुआवजे को लेकर। हमारे गांव में भी रह रहा हुआ, यहाँ भी रह रहे हैं अभी, वो नहीं मिला अभी। तो क्या लगता है मतलब उनका किस वजह से उनका रुक रहा है मुआवजा? ये अथॉरिटी बेईमान है, बाकी वजह से रुक रहा हूँ। तो यहाँ से भी गए थे कुछ लोग प्रदर्शन में? खूब गए हैं, यहाँ से बहुत प्रदर्शन हुए हैं। हाँ। यहाँ से जंतर मंतर चलाकर जो वहाँ तक हुए हैं जो डीएनडी तक। अच्छा सरकार से आप लोग क्या उम्मीदें करते हैं? जैसे आप लोग जब अभी देखा यहाँ पे सब लोग बैठ के पत्ते खेल रहे थे तो इससे बातचीत होती होगी, और इस दौरान ये भी होता होगा कि सरकार ये काम कर दे तो मजा ही आ जाए। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप भी देख रहे हो कि इनमें इतने नौजवान है ये पत्ते खेलने ला गए। ये हाँ इस समय इनको तो पत्ते खेलने ला गए, नौकरी करनी चाहिए ना। हाँ तो फिर नौकरी है नहीं तो, लेकिन लोगों का तो कहना है कि नहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ी है अभी। हमने गांव में दूसरी तरफ भी बातचीत की, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी हमारे सनराइज न्यूज पर। आप चैनल वाले हो जी, आपको तो ये खूब मालूम होगा और खूब ये आपसे ना 4-5 साल से खूब हल्ला गुल्ला है। नहीं जैसे हमारे साथ भी क्या दिक्कतें होती है कि हम चैनल वाले हैं, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन अगर हम ये कहें कि सरकार के शासन काल में बढ़िया काम हुआ है तो कहेंगे बीजेपी वाले हैं, और अगर ये कहें नहीं हुआ तो कहेंगे आप कांग्रेसी हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा है कि जो कुछ काम ऐसे भी हैं जो उन्होंने अच्छे भी कर रहे हैं, ये कुछ काम ऐसे भी हैं जो सही नहीं है, तो ये हर कोई भरपाई अच्छा, दो बढ़िया बढ़िया काम जो कुछ आपको दिमाग में आ रहा हो कि ये बढ़िया हुआ है और जो नहीं हुआ है ये तो हम जो देखेंगे जज जैसा देंगे ये कोई हम अच्छा हाँ ये अरे बता दीजिए ऐसा ये कोई बात नहीं हाँ अभी सोचा नहीं है वो देखो कुछ लोग कह रहे कांग्रेस को देंगे आप नहीं नहीं ये कोई बात हो सके कांग्रेस को कैंडिडेट ही खड़ा ना हो ये कोई बात नहीं अच्छा ये कोई बात लेकिन अगर कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होता तो कांग्रेस को देंगे वोट हम तो कांग्रेस ही देते आए अच्छा कांग्रेस को ही देते आए हैं अच्छा तो मतलब अगर यहाँ से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो ये कांग्रेस को वोट देंगे फिलहाल यहाँ जो लोगों ने बताया हमने यहाँ बातचीत की अभी हमने गांव में बीच में बातचीत की थी कुछ लोगों से और यहाँ बातचीत की तो यहाँ लोगों ने बताया कि गांव में काफ़ी परेशानियाँ लेकिन विकल्प के लिए और कोई नहीं है तो इसी वजह से इन्हें बीजेपी को वोट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के और जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी जो दावेदारी है इतनी प्रबल नहीं है। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज़ न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।